आज हम आपको एक ऐसी जगह में लेकर आए हैं जहां खेत में दूर दूर तक पत्थर ही पत्थर मिलेगा, जमीन के अंदर बहुत कठोर चट्टान मिलेगी, पानी की एक बूंद नहीं इस एरिया में, वास्तविकता है। और इसको कैसे जांचेंगे यह मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों का यह मैसेज आता है, एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें बोलते हैं कि सर हमारे खेत में इतनी बोर हो गई है लेकिन पानी नहीं निकलता। तो भाई पानी क्यों नहीं निकलता, किस एरिया में पानी नहीं निकलता है, उसको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो हम चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल का नाम है किसान का बोर, ठीक। तो चलिए चर्चा करते करते मैं आपको पूरा इस खेत की वस्तु स्थिति के बारे में बताऊंगा। यहाँ पानी नहीं है, पानी नहीं है वहाँ नारियल बाहर जाएगी, आप लोग ऑटोमेटिक देख लेना, ठीक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब नारियल को ऐसे लेना है भाई, ये बिल्कुल। तो चलिए देखिए, पहले कदम से ही देख लो भाई, ये नारियल कहाँ पर खड़ी थी और कहाँ चली गई। नारियल गिर गई, बाहर तरफ गिर गई, पूरा सूखा है। कई पानी जांच करने वाले बता दिए यहाँ नारियल गिर गई तो पानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जब बाहर जाके गिर रही मतलब यहाँ सूखा है, ठीक। तो चलिए भाई और दिखाते हैं आपको, इस पूरा इस खेत में ऐसी नज़ारा मिलेगा। एक कदम कदम में ड्राई ही ड्राई है, देखो ये एरिया ही वैसी ड्राई है। यहाँ पर एक नहीं हज़ार बोर हो गया है इस एरिया में, बहुत बड़े बड़े प्लाट है इधर, लेकिन पानी नहीं निकली है। लेकिन पूरा पानी नहीं, ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं तो सेंध लगी होगी, है ना। तो हमको उसको ढूंढना है। लेकिन यहाँ पर वस्तु स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। यह वीडियो भले थोड़ा सा लंबा बनेगा लेकिन देखना अंतर। देखो ये एक ही दो कदम में कितनी डिफरेंस आ रही है। इस वीडियो को मैं स्पेशल उन भाइयों के लिए बना रहा हूँ जिनके खेत में कई बोर होते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता, और पूछते हैं कि क्यों पानी नहीं निकलता। तो देख लो, अंदर की स्ट्रक्चर अभी कठोर रहेगी, चट्टान रहेगी, सूखा रहेगी, तो ये स्थिति बनेगा। देखो पानी नहीं है, ठीक। देखो फिर चल रहे हैं, रखे थे नारियल को ऑटोमेटिक, देखो पोजीशन अपनी चेंज कर दी है नारियल, ठीक। पानी नहीं है, फिर देख लेना भाई, ये नारियल रखे ऑटोमेटिक स्लो मोशन करके देखना यार। ये देखो नारियल अपनी जगह छोड़ दी, बाहर जाके गिर गई, मतलब सूखा है। यहाँ पर कोई भी अगर बोल दे ऐसी एरिया में तो पानी नहीं मिलेगा। तो किसान भाई लोग, आप लोग जांच करना, अपने खेतों में जांच करना, नारियल पकड़ लेना, अच्छा कच्चा नारियल लेना, जितना पानी हो सके उतना रहे, और जांच करना अपने खेत में। अगर नारियल बाहर जा रही है, गिर रही है बाहर तरफ, देख लो ये, तो पानी वहाँ नहीं है, आप आसानी से जाँच कर सकते हो। और यार मन लगा के जाँच करना भाई अच्छे से, है ना। ऐसा नहीं कि सॉरी भाई बोल दिया है तो नारियल बाहर जाए, नहीं ऐसा नहीं, अच्छा मन लगा के काम करना है और कदम को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि एक कदम यहाँ करें दूसरा कदम वहाँ, ऐसा नहीं, कदम ताल ठोंके वाला कदम नहीं बढ़ाना, धीरे धीरे करना है, ताकि आपका एक पैर को उठाते ऐसा पता चला कहीं पानी रहेगा, पैर जल्दी सूट गया तो आपको अर्थिंग नहीं बताएगी। धीरे धीरे चलना है ताकि पूरी अर्थिंग आपको नीचे से मिल सके, पूरी पावर आपको मिल सके, ऐसा करना। देखो ये दो कदम चल रहे हैं लेकिन नारियल बाहर चली गई, तो यहाँ पानी नहीं है। तो हम ये सिचुएशन आपको पूरा दिखाएंगे भाई, चलो चलो। ये एक कदम भी नहीं चल रही है, मतलब यहाँ सूखा है, शुरू किए थे तब से सूखा है और अभी भी सूखा है। देखो ये नारियल छोड़ रही है अपनी जगह, मैं कोई धक्का तो नहीं दे रहा हूँ ना, पीछे से कोई नहीं आ रहा है धक्का देने के लिए, लेकिन नारियल अपनी जगह छोड़ रही है और आगे जाके गिर रही है, मतलब पानी यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल नहीं है पानी। देखो ये नारियल रखा हूँ ना हथेली में, देखो पूरा, देखो अपनी सिचुएशन बदल रही है ना, यहाँ पर कुछ नहीं निकलेगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को, देखो ये नारियल को देख लो भाई, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, गिर रही है। कुछ लोग बोल देंगे कैसा रख दे ऐसा रख दे, तो उसको मैं ऊपर भी टांग के दिखा देता हूँ यार, पानी नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक गिरेगा। देखो ये पानी नहीं है यहाँ नीचे में, यहाँ पर इस धारा पे, इस धरती में नीचे किसान के लिए पानी नहीं है, किसान के पहुँच तक पानी नहीं है। हम अगर हम इस किसान को बताएंगे कि आपके खेत में यहाँ पर पानी वहाँ पर पानी, तो कोई मतलब नहीं है, धूल उड़ेगा, किसान का पैसा बर्बाद होगा, उनका समय बर्बाद होगा
और अपना रिजल्ट ख़राब हो जाएगा, इसलिए अपन नहीं बताते। तो सौरी भाई यही काम करता है, किसी के खेत में जाता है तो अगर पानी नहीं है तो साफ एक लाइन में बोल देता है कि भैया आपके खेत में पानी नहीं है, हम आपको पानी निकाल कर नहीं दे सकते। नहीं है तो कहाँ से ला गए भाई, अपन कोई भगवान थोड़ी है, नहीं है सो नहीं है, है तो बता देंगे भाई पानी है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यार चर्चा करते करते पानी जांच करोगे तो अच्छा लगता है ना। देखो ये बाहर जा रही है, दो कदम भी चलना मुश्किल है, मतलब इस खेत के नीचे में बहुत लंबी एरिया तक ड्राई ही ड्राई है। यहाँ पर पानी की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई सहने वाली नहीं है, यहाँ पर पूरा पूरा ड्राई है, कहीं से भी पानी होकर नहीं गुजरी है यहाँ पर। देखो ये ड्राई, इसीलिए इस गांव के ज़्यादातर एरिया सूखा है। पानी की एक एक बूंद के लिए मोहताज होना पड़ता है, किसानों को भी होता है, ग्रामवासियों को भी होना पड़ता है। ऐसी स्थिति आ गई कि यहाँ की माताएं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूसरे गांव से होकर पानी लाती है, इतनी दयनीय स्थिति है इस गांव की। देखो ये कुछ नहीं है, बड़े बड़े विद्वान यहाँ कभी आए थे लेकिन अब बुलाओगे तो नहीं आते पानी जांच करने के लिए, कोई बदनाम होना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं कि पानी है ही नहीं, होगी पतली धार कम से कम तो गुजरी होगी कहीं से, लेकिन इस खेत में नहीं गुजरी है, पूरा में पूरा ड्राई है। देख लो ड्राई है, यहाँ पानी है ही नहीं है। अब पानी ही नहीं है तो कोई भी पानी जांच करने वाला पानी नहीं ला सकता अपने मन से। देखो चलो यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो ये कुछ नहीं है, देखो पोजीशन बदल गई है, ये पूरा खेत सूखा है, पूरा खेत सूखा है। ऐसा मंजर हम पहले कभी नहीं देखे थे, पूरा खेत सूखा हो, पूरा एरिया सूखा हो, नहीं मिला इस खेत में तो एक बूंद भी नहीं मिला है। अब मिला ही नहीं तो हम कहाँ से लाए, देखो दिखा रहे हैं आपको, देखो ये देख लो भाई, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, गिर गई, पूरा खेत घूम लिए, पानी कहीं से भी हमें नहीं मिली है। देख लो ये जैसे ही रखते हैं ऊपर जाता है, देखो ये देखो बदल गई सिचुएशन। चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं इधर चलकर क्या पोजीशन है, ये इधर भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। देखो ये पूरा ब्लेंस बाहर जा रही है, मतलब यहाँ का पत्थर इतना कठोर है और इतना सूखा है कि जैसी वो ड्रिलिंग शुरू करोगे तो शुरू से लेकर अंत तक धूल ही धूल उड़ेगा। और बताते हैं यहाँ इस गांव के लोग कि इस गांव में आसपास के गांव से जितना बोर हुआ उससे कई गुना ज़्यादा बोर हो गया है, लेकिन पानी मिलता ही नहीं है। यहाँ कोई पानी जांच करने वाला आता भी नहीं है, पानी जांच करने वाले यहाँ से हाय तौबा कर लेते हैं, जैसे ही पता चलेगा, जैसे इनविटेशन जाएगा उनके पास इस गांव में पानी जांच करना है तो उनके हाथ पांव फूल जाते हैं पहले से। वो उनके घर में जाओगे तो वो नहीं मिलेंगे, महोदय कहकर बोल देंगे, घर में रहेंगे सोए रहेंगे तो भी बोल देंगे बाहर गए, ऐसी स्थिति है। तो यहाँ के किसान लोग अपने मन का कहीं भर हो गए पानी जाँच कर लेते हैं, और या कहीं पर भी हो खोदवा लेते हैं, क्योंकि कोई जांच करने वाला आता ही नहीं है। देखो ये कौन बदनाम होने आएगा, लेकिन सॉरी भाई बता रहा है, पूरा बता रहा है, देखो पानी ही नहीं है, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं इसकी, इस खेत के किसान में, इस खेत के किसान ने बहुत ही उम्मीद से हमें बुलाया कि चलो भैया एक बार देख दो, हमने बताया कि भाई आपके खेत में पानी रहेगा तो बता देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बताएंगे, लेकिन इस खेत में पानी नहीं है। इस खेत को हमने पूरा घूम लिया है, कहीं पर भी पानी नहीं है, यहाँ तक कि पीने के लिए भी इस खेत में पानी नहीं निकलेगा, चाहे हम 1000 फीट खुदाई कर लें, चाहे उससे भी आगे खुदाई कर लें, हमारा यह अनुभव अभी तक के कह रहा है कि इस खेत में पानी नहीं है। यहाँ पर बोर ड्रिलिंग कराने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बोर ड्रिलिंग वही कराओ जहाँ पर पानी निकले, तो यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। किसान अगर बोर करवाता है यहाँ पर तो बर्बाद ही होगा, और हमें किसान को बर्बाद होने से बचाना है। तो भाई इस वीडियो को आप लोग देख लिए हैं किस कंडीशन में सूखा होता है खेत,
आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता चल गया है। तो आप लोग नारियल लेकर अपने खेत में देख लेना यहाँ कहाँ पर पानी है, कहाँ पर पानी नहीं है। लगातार आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पूरा अनुभव हो जाएगा। किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी पानी जांच करने वाले को फ़ोन करने की या ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद आत्मनिर्भर बन जाओगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे। हाँ भाई, आप लोगों को कोई सलाह चाहिए तो मेरे पास आप लोग फ़ोन कर सकते हैं, और रात्रि में 8 से 9 बजे के बीच में प्रयास करूँगा जितना ज़्यादा संख्या में हो सके मैं आप लोगों को फ़ोन उठाऊँगा। हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 7000716599। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार।